जो ये साइड पे किया, ये हेलिकल गियर है। अच्छा, बिल्कुल नया जी, बिल्कुल नया। अब किसान बाहुबली वाली ताकत तो है नहीं है किसान के पास कि भैया उठा ले हमने सिड्डल, निकाल लो नीचे से रोटर वेटर, उसके लिए क्या सोचा ये बता दो। उसका जो हमने हल किया है ये स्टैंड है सर। अच्छा, गियर पिनियन लगे होंगे इसमें सर? तीन है, तीन गियर, 20 की, 35 और 28। बहुत बढ़िया, मतलब ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं दोस्तों हर चीज। ब्लेड जो लगे हुए हैं ये किस तरह के ब्लेड? ये सर बोरॉन स्टील की ब्लेड है, प्योर बोरॉन स्टील की जो है ब्लेड। ये देखिए दोस्तों, नीचे से और ऊपर तक पूरे रोलर को कवर अप करके दिया गया है, जिससे पैर और हाथ आने का जो खतरा है टोटल खत्म हो जाता है। छोटे दानों का करना है या बड़े दानों का करना है हमने, तो यहाँ से उसकी एडजस्टमेंट होती है जी। जी, इसको आप ऊपर कर सकते हो, यहाँ से नीचे कर सकते हो अपने दाने के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर कृषि के नए नए संयंत्रों की जानकारी मिलती रहती है। उसी क्रम में दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं बीरवल चीमा मंडी, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरवल चीमा मंडी कंपनी में, जहां पर आपको सुपर सीडर, रोटर वेटर से लेके कृषि के हर एक लेटेस्ट संयंत्र लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया के नंबर वन लीडिंग ब्रांड कंपनी बीरवल कंपनी की तरफ से आने वाली सुपर सीडर, इसकी पूरी खूबियों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मिलते हैं सर से और जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप? सर आपका एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी, और मैं यहाँ बीरवल चीमा मंडी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, जैसा कि आपने बीरवल सुपर सीडर बनाई हुई है जी सर, तो किन खासियत की वजह से इसको ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से किसानों के बीच में डिमांडिंग प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कारण है और क्या चीज़ें जो आपने इसमें इस्तेमाल की हो वो बताएं सर सबसे पहले? तो सबसे पहले तो सर हमारे गियर पे आ जाते हैं जी। इसका जो गियर बॉक्स है वो 13-23 का है जी, बड़ा गियर बॉक्स है, और जो साथ में ये स्पोर्ट पाइप है 3 इंच की स्पोर्ट पाइप है इसकी, 3 इंच की सपोर्ट पाइप के साथ में 13-23 का गियर बॉक्स है मल्टी स्पीड में जी सर। बहुत जबरदस्त, और मल्टी स्पीड होने से लोड वगैरह भी नहीं पड़ेगा, बहुत कम लोड है ना सर। इसमें जो लिंकिंग पॉइंट वगैरह आपने दिए हुए हैं ये किस तरीके से दिए हुए हैं सर, इसमें मजबूती वगैरह क्या कैसी है? ये सर बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ है, जितने एमएम की इसको नीड है जी उसी साइज की हमने इसमें जो हिच चाहिए लगाई है। बहुत बढ़िया जी। और दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये जो सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग आपको किसी भी सुपर सीडर में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे कि बीरवल ने लगाई हुई है। इससे डबल सपोर्टिंग हो जाती है लिंकिंग पॉइंट को लेके, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी टापलिंग वगैरह फंसने वाली है, यहाँ पर जो खीला लगने वाला है उसके ऊपर भी कंपनी ने प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं बासर की कोडिंग करके दी है, लगा के दी है, जिससे जो इनके होल वगैरह फैल जाते हैं ना, तो उसके कारण सुपर सीडल हिलने लगता है, जिससे वाइब्रेशन होने लगता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फिटिंग फिनिश दिया हुआ है सर। वाइब्रेशन की बात ही आ गई है, मैंने देखा है बीरवल का मतलब रोटर वेटर मैंने देखा था, मतलब रोटर वेटर चल रहा है, गिलास में पानी भर के धर दो वो छलकता नहीं है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगा दे सर आप? सर जो इसके पीछे रीजन है, जो हम हमारी जो स्पोर्ट पाइप है ना जी, स्पोर्ट पाइप हम इसको हैवी देते हैं। अच्छा जी। और जो दूसरी बात है, जो हमारी ब्लेड है इनकी डिग्री पूरी प्रॉपर है। अच्छा, आप यहाँ साइड से खड़े होकर देखोगे तो प्रॉपर आपको डिग्री यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जाती है जी, तो एक ब्लेड उठा दूसरा आया, एक उठा दूसरा आया, इस हिसाब से चलता है सर वो। उसके साथ जो हमारा सुपर सीड या रोटावेटर इम्प्लीमेंट है ये धड़कता नहीं है बिल्कुल, और इसी से जो है अपना वाइब्रेशन फ्री है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने देखा है सुपर सीडरों में और रोटर वेटर में चैन ड्राइव और गियर ड्राइव मॉडल दोनों आते हैं जी सर, तो ये किस तरह का मॉडल है सर? ये सर हमारा टोटली गियर ड्राइव है जी। आप ये देखो, ये हमारी नई इन्वेंशन है जी, जो ये साइड पे किया, ये हेलिकल गियर है। अच्छा, बिल्कुल नया जी, बिल्कुल नया जी। मैंने आज तक किसी भी सुपर सीडर में इस तरह का गियर नहीं देखा जी सर। पहले हम भी चेन ड्राइव के साथ ही बनाते थे जी जी, वो साइड में छोटा गियर लगता था लेकिन वो चेन से ही ऑपरेट होता था जी। जो इसका बैक साइड का रूलर है ना जी, जो सेंटर में आता है डिस्क से पहले आता है रूलर, वो अब गियर से ऑपरेट होता है। अच्छा जी। अच्छा सर, इसमें जैसे कि हम बात करें, अभी हमने फ्रंट की बात कर ली, ये जो सपोर्टिंग बार आपने पट्टी लगाई हुई है ये क्या कैसी लगाई हुई है सर? ये सर पूरे हैवी में जी, ये कास्टिंग की है। अच्छा जी। जो आम आती है वो मतलब लोहे की होती है, फैब्रिकेशन होती है बिल्कुल ठीक है, और ये पूरी आप हैवी है आप देखोगे जी, तो ये कास्टिंग की है सर। अच्छा, और जो अपने ब्लेड इसमें लगे हुए हैं ये कितने ब्लेड का है सर? ये सर 8 फुट है, तो 60 ब्लेड का ही है। 60 ब्लेड का जी। ब्लेड जो लगे हुए हैं ये किस तरह के ब्लेड? ये सर बोरॉन स्टील की ब्लेड है, बोरॉन स्टील की जो है ब्लेड लगे हुए हैं, जिससे दोस्तों इसके अंदर जो घिसावट है वो कम देखने के लिए मिलेगी, और ये सॉफ्ट सॉइल और हार्ड सॉइल
दोनों तरह की मिट्टी में बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है सर बुश की, क्योंकि सुपर सीडर में बुश बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें कई कंपनियां लोहे के बुश लगा के देती हैं, आपने किस तरह के लगाए हैं? ये जो हमारे बुश हैं सर, ये एल्युमिनियम के हैं जी, और पूरी हैवी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है जी। आपको बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। बिल्कुल, एल्युमिनियम के बुश होने का फायदा ये होता है, जब आप फर्टिलाइजर सेक्शन में फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जंग वगैरह लगने की काफ़ी शिकायत आती है लोहे के बुश वगैरह में, और एल्युमिनियम हो गया, इसमें आपको कभी भी जंग लगने की शिकायत नहीं आएगी, जिससे लाइफ जो है आपको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टाइम देखने के लिए मिलेगी। सर, आपका जो ये सुपर सीडल है, ये क्या अलग हो जाता है कि रोटर बीटर बस? ये सर वो भी बताएंगे आपको, अलग होता है ये। अगर सर एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा जी, मैंने बहुत सी कंपनियों में देखा है जो सीना ठोंक के बोलती हैं कि हमारा जो सुपर सीडर है, जो रोटर वेटर है, रोटर वेटर से सुपर सीडर अलग हो जाता है जी। बोलने से कुछ नहीं होता। अब किसान बाहुबली वाली ताकत तो है नहीं है किसान के पास कि भैया उठा ले हमने सीडल, निकाल लो नीचे से रोटर वेटर। उसके लिए क्या सोचा ये बता दो। उसका जो हमने हल किया है, ये स्टैंड है सर। अच्छा, साइड पे ये स्टैंड आप दे रहे हैं जी। ये स्टैंड एक तरफ मिलता है कि दोनों तरफ? दोनों तरफ ही मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक स्टैंड तो ये रखा हुआ है, और एक स्टैंड जो है यहाँ पर कंपनी ने रख के दिया हुआ है, इसे आपको हाइड्रोलिक के माध्यम से ऊपर उठाना है और दोनों तरफ स्टैंड आपको डाल देना है। आपका सुपर सीडर खोलने के बाद सुपर सीडर इन स्टैंड पे आ जाएगा और रोटर वेटर निकल के बड़ी आसानी के साथ बाहर। जो वो भी बताते हैं आपको कैसे अलग होगा जी। ये जो एक तो सर ये नट है जी, ठीक है, एक ये नट है, एक यहाँ नट आएगा और एक ये, बस मात्र अपन को इसमें जो है 6 नट खोलने हैं टोटल, 6 इधर के 3 उधर, 3 उधर के, 3 6 नट खोल के आप जो है सुपर सीडर और रोटर वेटर को बड़ी आसानी के साथ में अलग कर सकते हैं। सर अब आते हैं अपन इसके पीछे की तरफ, रोलर वगैरह आपने क्या कैसे इसमें लगाए हुए हैं और कितने रोलर लगे हुए हैं सर? सर इसमें 2 रोलर हैं जी। अच्छा, एक तो ब्लेड के बाद और डिस्क से पहले जी, ये जो पूरा हैवी रोलर लगा हुआ है जी, ठीक है, और एक हमने पीछे रोलर दिया है प्रेस करने के लिए। अच्छा जी सर, मतलब रोटर वेटर से जो आपकी मिट्टी उखड़ने वाली है, पलटने वाली है, उसे तो डिस्क के बीच का रोलर ही दबा देगा, और जो सीड के सीड गिरने के बाद जो है फिर से पीछे कंपनी ने रोलर लगाया हुआ है, सीड आपका पूरे तरीके से जमीन के अंदर ढक जाएगा, जिससे सीड का जर्मिनेशन बेस्ट क्वालिटी के साथ में होगा। साथ ही साथ जैसे कि सर हमारी ये टंकी लगी हुई है, इसमें लोडिंग कैपेसिटी कितनी है सर? इसमें कितना अपन बीज और कितना अनाज स्टोर कर सकते हैं? सर ऐसा है, अगर इसमें आप इसको पूरी फिल करोगे तो 80-90 किलो के करीब आ जाता है। मतलब इसके अंदर जो है टोटल हम दोनों मिला के 1 से 1.25 क्विंटल गेहूं और जो फर्टिलाइजर है दोनों मिला के इतना स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा सर, जैसे क्या होता है कई बार हमने सीड 1 एकड़ का बोना था, हमने 1.5 एकड़ का डल गया बाय धोखे से, उसको कैसे निकालेंगे सर? उसको निकालने के लिए सर हमने यहाँ से ये चीज दी हुई जी, जितना बीज आपने यूज कर लिया और बाकी रहता हुआ बीज आपको यहाँ से निकल जाता है। मतलब दोस्तों आपको हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से अंदर लगे हुए ढक्कनों को खोल के इसको निकाल सकते हैं। एक सर चीज हो रहा है सर रूलर पे जी, हमने देखा होगा आमतौर पे यहाँ पे एक पतली पत्ती दे देते हैं। बिल्कुल, मैंने इतना सपोर्टिंग नहीं देखा किसी भी में, सिर्फ पूरा सपोर्ट पत्ती है। और सेफ्टी के तौर पे देखें तो भी सही है ये। बिल्कुल, ये सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, नीचे से और ऊपर तक पूरे रोलर को कवर अप करके दिया गया है, जिससे पैर और हाथ आने का जो खतरा है टोटल खत्म हो जाता है। अच्छा सर, ये तो हो गई पिछले हिस्से की बात जी सर। अब हम आते हैं सर, ये है मल्टी क्रॉप सीडर, छोटे दानों की बुवाई करना है, बड़े दानों वाले सीड की बुवाई करना है, उसका किस तरीके से ख्याल रखा सर आपने? सर जो हम अगर छोटे दानों का करना है या बड़े दानों का करना है हमने, तो यहाँ से उसकी एडजस्टमेंट होती है जी। इसको आप ऊपर कर सकते हो, यहाँ से नीचे कर सकते हो, अपने दाने के हिसाब से जी। यहाँ पर मतलब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये कम या ज्यादा अपना हो जाता है? हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है जी सर। ये लॉकिंग पॉइंट भी इसमें कंपनी ने 3 स्टेप बार दिए हुए हैं, जिससे आप जो है छोटे और बड़े दानों की सीड हर तरह से बो सकते हैं। ये तो हो जाता है बीज के साइज के लिए जी। तो अगर हमने बीज की क्वांटिटी सेट करनी है तो ये 2 लीवर है जी, खाद और बीज की क्वांटिटी सेट करने के लिए जी। आप देखोगे ना कि यहीं पे नंबर है। अच्छा, एक पे ये 10 किलो डालेगा जी, 2 पे 20 किलो डालेगा जी,
ये सिस्टम मतलब एकड़ के हिसाब से आप अलग अलग के हिसाब से जो है इसमें आप सेट कर सकते वो हैं। अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते है ना, कितना आपको जो है एकड़ में डालना है। जी ये तो हो गई सर और ओवर सुपर सीडर की बात। जी सर, अब इसका जो हमारा ये रोलर लगा हुआ है ये क्या मतलब बोरान स्टील का आपने इसको भी लगाया हुआ है? नहीं, ये MS का है। MS का लगा हुआ है, रोलर भी आप देख सकते हैं दोस्तों हैवी हैवी में बनाया हुआ है। ये ऐसा होता ना कई बार झाड़ियों में लग गया कुछ हो गया जी, बेंड होने का बहुत ही कम चांस है सर। अच्छा सर, इसमें जैसे अपना गियर ड्राइव मॉडल है चूंकि ये, तो इसके अंदर कितने गियर पिनियन लगे होंगे इसमें? सर तीन है, तीन गियर 20 की 35 और 28। बहुत बढ़िया, मतलब ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं दोस्तों, हर चीज क्लियर है। और गियर ऑयल कितना डलता है सर इसमें? गियर ऑयल सर वही रोटावेटर वाला, इसमें 2.5 से 3 के करीब जी, 3.5 के करीब। मतलब दोस्तों आपको हर एक चीज जो है पूरी तरीके से हमने बताई इस वीडियो में। अभी मेरा एक लास्ट सवाल, अपना जो सर बीरवल चीमा मंडी जो भी प्रोडक्ट बनाती है इसमें सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान है? सर जो सब्सिडी होती है उसका हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम होता है, कोई स्टेट 30% देती है, कोई 50% देती है, कोई 60% देती है। जो हमारा कोई भी इम्प्लीमेंट है वो आपको ऑल ओवर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट से पास है, मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट आते हैं सब में सब्सिडी, किसी भी स्टेट में आप सब्सिडी ले सकते हो अगर आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे दे रही है। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों सब्सिडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो है आप इन्हें मंगा सकते हैं, अपनी नज़दीकी डीलर से भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।